नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं वहाँ पर हूँ जो अंकल, मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। बेटा मैं कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ आज। अभी मुझे हाल ही में खबर सुनने को आई है कि हमारे हिमाचल के गांव में भी अब कोरोना पॉजिटिव के केसेज आना शुरू हो गए हैं और एक कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। और ये हुआ है किसी बड़े लोगों की लापरवाही की वजह से। अब किसी को क्या दोष दें दोस्तों, पर आपकी एक लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर तो बेटा आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तब तो चलो, अगर आपको हो गया तो शायद हॉस्पिटल में आपको आराम से आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा, फैसिलिटी मिल जाएगी। पर बेटा हमारे हिमाचल के गांव में गरीब लोग भी हैं। सबसे ज़्यादा लोग किसान हैं, किसानी और खेती करके वो पैसा कमाते हैं। उनके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता है, ना उनके पास इतना पैसा है कि बाहर वो घूम के आए। तो वहां पर कोई चांसेस नहीं थे कोरोना होने के, पर इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री वालों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये वहां पर भी फैलने लग गया है, गांव में भी फैलने लग गया है। ये बहुत गंदी खबर है दोस्तों। बेटा अपना ध्यान नहीं है अगर आपको, तो कम से कम औरों का ध्यान रखना शुरू करो। आपके पास तो शायद बहुत पैसा होगा, पर बेटा सबके पास नहीं होता। टेस्ट कराने तक कभी पैसा नहीं होता बेटा। तो कम से कम मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बच्चों की तरह पेश आएंगे और अपने बड़े बुजुर्गों को भी समझाएंगे कि जब आप बाहर जा रहे हो किसी ज़रूरी काम से ही जाना, ठीक है बेटा। और मास्क पहन के जाना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना। अगर कहीं किसी वजह से आप बाहर जा रहे हो, कहीं से घूम कर आ रहे हो, अगर कहीं से आपको लगता है कि कोई चांसेस है, आपके अंदर कोई सिम्टम्स है, तो कृपा करके दूरी बना के रखें। थोड़े टाइम के लिए क्वारंटीन चले जाइए। आपकी वजह से कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो आप अपने आप को कैसे माफ करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। और हमारे हॉस्पिटल्स की हालत तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको एक व्हीलचेयर तक नहीं मिलेगी अच्छी। और यहाँ पर गरीबों को तो कुत्ता भी कोई नहीं पूछेगा। तो बेटा आज का मेरा ज्ञान इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझोगे, ठीक है बेटा। पहुँचो कल की ज्ञान की बातें कभी गौर करेंगे, पर आज मुझे ये बहुत ज़रूरी था बोलना, ठीक है बेटा। गुंजू अंकल की जय, कभी और करेंगे।